संतुष्ट कैसे रहें। मन को संतुष्ट करना यानी कि आप संतुष्ट रहें, जो भी चीज़ मिली है उसमें आप संतुष्ट रहें, ऐसा फील करें। मान लीजिए अगर आपको संतुष्ट आप नहीं है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी आपने जो सोचा है, देखा है, समझा है, वो आपको पाने की इच्छा ज़्यादा अगर हो रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप सब्र करके देखेंगे कि आने वाले समय में वो आपको खुद भी मिल सकती है। इसलिए संतुष्ट रहना आपके हाथ में, जहाँ पर भी हो, जैसा भी हो, वैसे ही आप अपना जीवन स्टार्ट करते रहें। उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे जो संतुष्ट होने का फॉर्मूला सीख जाएंगे, तो जब आप फॉर्मूला सीख जाएंगे तो आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको संतुष्ट होने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आपके जो मन में विचार आते हैं, बुद्धि से आप डिसीजन लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। और धैर्य रखने के कारण आप जब समझेंगे कि वो जो आने वाले समय में आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी, तो जहाँ पर आप संतुष्ट होते हैं वहीं पर आप संतुष्ट होते हैं। इसलिए आपको संतुष्ट करने के लिए आपका अपना जो मन है वो पवित्र करना होगा, आपके जो विचार हैं उन्हें पवित्र करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप जो आप पाठ पूजा जैसे करते हैं, आपकी श्रद्धाएँ जिस भी इष्ट देव में, जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हो, वो आपको करनी है। और फिर आपका मन धीरे धीरे जो है संतुष्ट होने लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आपका मन भी संतुष्ट होने लगेगा। इसके लिए आपको योग का सहारा भी लेना चाहिए, जैसे कि आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन करना यानी ध्यान करना सबसे अच्छा फॉर्मूला है अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। जब आप मन को संतुष्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार भी बदलेंगे, आपकी सोच भी बदलेगी, और फिर आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे सब्र करके आप अपने कार्य को करते रहें।